हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करेंगे। इसे कैसे आपको जो है ड्रॉ करना है वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं गाइस इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइज, इसे मैं ड्रॉ करने के लिए HB मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, इस तरीके से जो है आपको आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद जो है इस आउटलाइन को जो है आप नीडेबल इरेज़र की मदद से थोड़ा हल्का कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से। क्योंकि गाइज हम इसे जो है कलर्ड पेंसिल के अंदर ड्रॉ करने वाले हैं, इसको अब मैं पूरा कलर ड्रॉ करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको भी कैसे ड्रॉ करना है कलर। सबसे पहले तो हम जो है ऑरेंज पेंसिल ले लेते हैं। ऑरेंज पेंसिल यानी मैंने जो है फेवर कैसल की जो है पेंसिल ली है, ऑरेंज कलर है। अब आप जो है इस एरिया में आप जो है हल्का ऑरेंज कलर देख सकते हैं, हल्का ऑरेंज। तो सबसे पहले अपन जो है हल्का ऑरेंज कलर जो है ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे गाइस, जो वाइट एरिया है उसके लिए आप जगह छोड़ के चलिए, क्योंकि अगर आप जगह भी नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, आपके पास वाइट पेंसिल है तो आप वाइट पेंसिल से, नहीं तो ग्लास मार्क की जो पेंसिल आती है अप्सरा की, आप उसका भी यूज़ में ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट है आप जगह छोड़ के चलिए। इस तरह से जो है हल्के हाथ से जो है आपको कलर करना है ऑरेंज कलर। गाइज, अभी तक जो है आपने कलर पेंसिल से कभी ड्रॉ नहीं किया है, अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहले जो है आप फेबर कैसल की जो है 24 शेड्स की जो है कलर पेंसिल आती है, आप उन्हें मंगा लीजिए। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से बाय भी कर सकते हैं। और गाइस जो है सबसे पहले आपको इसी पेंसिलों से जो है प्रैक्टिस करनी है, आपको महंगी पेंसिलें नहीं मंगवानी है। गाइस, हमने जो है इसे ऑरेंज पेंसिल से जो है शेड कर लिया है। अब हम वो जो है इसमें थोड़ा हल्का पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, इसमें हल्का जो पिंक कलर जो दिख रहा है आपको, उससे जो है अपन इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप जो है लाइट पिंक कलर जो है आप यूज़ में ले सकते हैं, इसके लिए ये वाला लाइट पिंक कलर जो है आपको यूज़ में लेना है। और ध्यान रहे आपकी पेंसिल जो है आप शार्प कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है गाइज आपको पेंसिल शार्प करनी है। फिर उसके बाद जो है आपको जहाँ जहाँ पिंक एरिया, हल्का पिंक एरिया दिख रहा है वहाँ वहाँ पिंक कलर कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज आपको जो है फोटो के अंदर देखना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर किधर है, उसी तरीके से जो है आप उस कलर को जो है ड्रॉ कीजिए। और इससे जो है आपकी जो है जो भी आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो वो आपको रियलिस्टिक
लगने लग जाएगी। तो गाइज ये तो हो गया पिंक कलर, अब जो है अपन रेड कलर करेंगे। तो गाइज अब मैं जो है रेड वाले एरिया में जो है रेड कलर यूज में लूंगा। गाइज अब इस वाले पार्ट में जो है हल्का हरा रंग है, तो इसमें थोड़ा मैं हरा रंग करूंगा। इधर जो है थोड़ा हरा रंग है, ऐसे मैं थोड़ा हरा करूंगा इसको। अब गाइस जो है हम इसे जो है ब्लेंड करेंगे, या आप जो है कॉटन बर्ड ले लीजिएगा, किसी भी स्टोर पर आपको मिल जाएगी। और ये जो है वैसलिन है, इस वैसलिन से जो है मैं इसको जो है कलर को जो है ब्लेंड करूँगा। आप अच्छे से कॉटन बर्ड पे जो है वैसलिन लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है इसे हल्के हाथ से जो है रब कीजिएगा कुछ इस तरीके से। गाइस ये आसानी से, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड होने के बाद जो है ये बहुत अच्छा दिखने भी लगेगा। इसका ऑयल भी आता है गाइस ब्लेंड करने का कलर पेंसिल का, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो अभी जो है आप एक वैसलिन से भी इसका जो है ब्लेंड कर सकते हैं। अब गाइस इसे जो है वाइट पेंसिल से भी जो है आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, वाइट कलर की जो पेंसिल होती है। पर मैं इससे इसलिए ब्लेंड कर रहा हूँ, इससे जो है ज़्यादा स्मूथनेस और रियलिस्टिक लुक दिखने लग जाता है। इसी तरीके से जो है गाइस आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड होने के बाद गाइस इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा और डार्क रंग है, तो आप अपन जो है इसको इस वाले एरिया को थोड़ा और डार्क करेंगे। अब आप देख रहे होंगे गाइस इसमें जो है लुक आना चालू हो गया होगा स्ट्रॉबेरी का। इसी तरीके से गाइस आपको भी जो है स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करनी है। तो गाइस इसे भी आप जो है अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड होने के बाद आप जो है इसके बाद एक बार और जो है इस पर पेंसिल फेर दीजिएगा, जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे इसको अच्छे से आप ऐसे ब्लेंड कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ जो डार्क एरिया है ना गाइस, ये वाला डार्क एरिया इसको आप अच्छे से डार्क कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब गाइस जो है आप ब्लैक पेंसिल की मदद से आप जो है ये जो थोड़ा डार्क एरिया है ना इसे आप थोड़ा हल्का से जो है हल्का हल्का आपको फेरना है कुछ इस तरीके से गाइस। तो गाइस आप जो है अभी ब्लैक कलर होने के बाद जो है आप इसे थोड़ा इधर से भी थोड़ा ब्लैक कलर कर दीजिएगा हल्का सा। इसे भी जो है हम थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे गाइस नीचे वाले एरिया को। अब गाइस जो है ग्लास मार्किंग पेंसिल की मदद से आप जो है ये वाइट एरिया जो आप दिख रहा है आपको, इधर आपको जो है इसको चलाना है।
अब जो है मैं वाइट जेल पेन की मदद से थोड़ा और जो है इसको वाइट करूँगा, इस वाले एरिया को। थोड़ा हम जो है कलर करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी इतना वाइट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हम इसे कलर करेंगे इसके आसपास के एरिया में थोड़ा और, इसको थोड़ा और हम जो है डार्क करेंगे। इसकी जो डंडी को जो है हम ग्रीन कलर करेंगे। गाइस इस वाले एरिया में जो है ब्लैक कलर है, तो मैं इधर भी जो है थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर। फिर इसे हम जो है ब्लेंड कर देंगे वापस वही वैसलिन की मदद से। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर डार्क कलर करेंगे। ग्रीन पेंसिल का यूज़ में लेंगे जो है डार्क एरिया को करने में। ये डार्क एरिया है इसका। इसके इस वाले हिस्से में गाइस थोड़ा येलो कलर, तो हम थोड़ा येलो कलर भी इसमें डाल देंगे। जो जो कलर आपको दिख रहे हैं उस हिसाब से आप ड्रॉ करते जाइए। तो गाइस इसी तरीके से जो है आपको ड्रॉ करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इसी तरीके से जो है आपको गाइस ड्रॉ करना है। अब गाइज ये पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब हम जो है इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए पहले जो है हम ये जो येलो येलो दिख रहा है पार्ट उसको हम येलो कर लेंगे। थोड़ा जो है ये वाला कलर है ये येलो से थोड़ा डार्क कलर है, तो इसे हम जो है इस पार्ट को जो है कलर कर लेंगे अच्छे से। तो गाइज इसी तरीके से आपको जो है येलो कलर करना है। फिर उसके बाद जो है आप रेड कलर का यूज़ में लेके इसको जो है रेड कर दीजिएगा। और ध्यान में रहे इन कलर्स को आपको अच्छे से जो है करना है, और येलो कलर को जो है छोड़ के आपको सारी जगह जो है रेड कलर करना है। अब गाइस जो ब्लैक ब्लैक कलर की पेंसिल की मदद से जो है मैं थोड़ा ये जो ब्लैक एरियाज़ है हल्के हल्के जो ब्लैक एरियाज़ हैं तो उसे जो है मैं ड्रॉ करूँगा। गाइस अब मैं जो है थोड़ा डार्क कलर इस पर करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंड करूँगा। अब गाइस इसे मैं जो है ब्लेंड करूँगा। अब कॉटन बर्ड लेके जो है इसे बेसलिन लगाकर ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। आपको हल्के हाथ से जो है इसे ब्लेंड करना है। गाइस अब जो है मैं इस वाले एरिया में थोड़ा इसको जो है ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शेडो भी है और थोड़ा जो है इसकी आउटलाइन जो है थोड़ी ब्लैक भी है, तो इसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा शेडो का इफेक्ट दे रहा हूँ। अब गाइज इस पर जो है मैं डार्क पिंक कलर जो है यूज़ में लूँगा और डार्क करने के लिए। गाइज जो है मैं वाइट जेल पेन का यूज़ में लूँगा। अब गाइस हम इसे जो है अब फाइनल टच देंगे, तो जो है मैं डार्क कलर का यूज़ करूँगा, डार्क रेड कलर का। तो गाइस स्ट्रॉबेरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम पत्तियों पर वर्क करेंगे। मैं जो है लाइट पहले जो है ग्रीन कलर लूँगा, उसके बाद जो है डार्क जगह पे जो है डार्क ग्रीन कलर करूँगा।
तो गाइज हम जो है डार्क ग्रीन कलर की मदद से जो है ये डार्क ग्रीन है, तो इसे जो है हम डार्क ग्रीन को जो है इस पेंसिल से जो है हम ऐसे इसे शेड करेंगे जिससे ये और रियलिस्टिक लगेगा। गाइज हम जो है अब वाइट पेंसिल की मदद से थोड़ा सा जो है इसको ब्लेंड करेंगे। तो गाइज ये तो हो गया हमारी स्ट्रॉबेरी कंप्लीट ड्रॉ। इसी तरीके से जो है आपको भी ड्रॉ करना है गाइज, स्टेप बाय स्टेप जो है आप ड्रॉ कीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, पेशेंट रख के जो है काम कीजिए, तो इसी तरीके से आप जो है आप भी ड्रॉ कर सकते हैं गाइज। और अगर आपको कुछ भी क्वारी हो, कुछ भी आपको कमिटमेंट करना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेबर कैसल की जो पेंसिल अगर आपको बाय करनी है तो उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज आई होप कि आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से गाइज मैं आगे भी आपको जो है और ट्यूटोरियल देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो।